उठ गया था, बस अब जाकर रेडी होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट। इतनी अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा नहीं खाया जाएगा भाई, बढ़ जाएगा ऊपर तक। बस फिर वो खा के निकलते हैं काम पे। भाई जी एक मामले में ना कनाडा का सिस्टम ही आएगा पूरा का पूरा। आप कहोगे किस मामले में? अब कल देखो 13 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, मज़े में घूम रहे हैं ये वो। मैं बाहर आया, जैकेट खुली करी हुई मैंने, मैं कह आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है? कल तो 13 डिग्री टेम्परेचर था, कितना हो गया होगा? बाहर आया भाई इतनी ठंड, एकदम ही टेम्परेचर चेक करा -3। मैं कह यार हद होगी, कल 13 डिग्री आज एकदम -3। इसलिए भैया यहाँ तो भरोसा ही ना करो, कुछ भी हो सकता है यहाँ। इसलिए बोलते हैं कनाडा का सिस्टम आएंगे। चलो अपन चल रहे हैं काम पे, लेट ना हो जाए, मिलेंगे दिन में। ऊबर कर रहा था जी, करते करते पता ही नहीं लास्ट राइड भी छोड़ी है और कौन से एरिया में ले आया, दिखाता हूँ। पूरा ही सुनसान भाई, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, सिर्फ घर बने हुए हैं, दूर दूर तक टूटी हुई सड़क, और अब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ लेके जा रहा है ये। दूर ही वीराने के अंदर पता नहीं कौन सा शहर था, आल्टन आल्टन नाम से। घूम रहे हैं अब, थोड़ी पक्की सड़क ढूंढने की तलाश है ताकि यहाँ से निकले घर की तरफ जाएं बस अब तो। उधर वाले एरिया से ठीक है, ये तो गलती कर दी, इधर की राइड लेके मैंने, दोबारा नहीं आता इस एरिया में। आज मैं काफी थका थका फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आज जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता आज मेरा कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रह गया है वीडियोस के अंदर की। आवाज भी देख रहे हो बैठी बैठी हो रही है भैया। सिस्टम ऐसा है, मेरी तो होगी है बस, हमसे अभी एक आध घंटा काम नहीं हो पाएगा कम से कम। स्क्रीन देख देख के आंखें गई हैं फूट, रात को हो गया था मैं सोने में लेट। अपन तो चला सोने, एक घंटा का नैप लगा, चाहे एक घंटा फालतू काम कर लूँ मैं बाद में, बट अगर अभी थोड़ी देर और जाकर रह गया ना, बस पटाखे बजेंगे पटाखे खोपड़े के अंदर। ओके भाई साहब, मिलते हैं शाम को। हाँ जी, तो ऊबर का हिसाब किताब दिखाया था मैंने आपको, कहाँ पहुँचा दिया था उसने मेरे को, पूरे वीराने के अंदर टूटी हुई सड़कें। मतलब मैं ढूंढने के लिए इतनी देर लगी ना, सड़क मैप्स के अंदर भी शो नहीं हो रही थी कि कहाँ से निकालूँ कहाँ से घुसूँ। और अब देखना एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी, पहले कहाँ पहुँचाया था और अब कहाँ पहुँचा दिया है। रुको दिखाता हूँ बाहर चल के, रुको एक मिनट, अब अभी अभी मेरी तरफ ही रहो, अभी दिखाता हूँ। ए देखो चेक करो, आ गए हैं डाउनटाउन में। स्कॉशिया बैंक अरीना के बाहर लगा दी थी मैंने गाड़ी, मैं कहा यहाँ लगा के गाड़ी अच्छे से वीडियो बन जाएगी। सीएन टावर इस बिल्डिंग के पीछे दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है, देखो इस बिल्डिंग के पीछे। ये तो हिसाब किताब है, कहाँ इतने जंगल के अंदर पहुँचा दिया था और एकदम अब इतनी शानदार जगह डाउनटाउन आ गए ना, मज़ा आ जाता है कुछ भी को। मेरे को तो भाई मैं रोज ही आता हूँ ऐसे ऊबर करता हुआ, बट जितनी मर्जी बार भी आऊँ, नज़ारे जी नज़ारे, बस क्या बोलूँ। बाहर से मेरे को अभी गाड़ी में बैठना पड़ गया, पुलिस वाला आ गया था, कह रहा है गाड़ी खड़ी है, क्या बात तू बाहर खड़ा है, यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है। मैं कहा जा रहा हूँ। तो अपन निकलते हैं घर की तरफ, अब वहीं जाके देखते हैं घर वाले घर वाले क्या कर रहे हैं सारे। तो भाई साहब घर पहुंच गए थे हम, मैं तो सोचा चुपचाप आऊंगा घर, देखूंगा क्या कर रहे हैं। नीचे आया, दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये देखो खाना चल रहा है जी तीनों का। आज फोन भी नहीं किया किसी ने कि कहाँ रह गया है, कब तक आएगा, खाना वगैरह बना दे या हम तेरे साथ खाएंगे। बना प्लेट उठा ला और यहाँ के खा ले। आज तो नहीं गया, जब मैं कल शाम को गया था घूमने तब तो मेरे को बड़ा सुनाया गया कि अच्छा बिना बताए चला गया, एक बार एटलीस्ट बता तो दिया कर कहाँ जा रहा है। चिढ़ गए थे तब तो बड़े ज्यादा, फिर आपको प्यार करना पड़ा था इतना ज्यादा कि मान जो। तो भैया हम भी पूरा मान जाएंगे, ऐसे हमें पूछा भी नहीं कि खाना उना खाना है क्या करना है। रोटी खा ले, चलो भाई मैं चलता हूँ खाना खाता हूँ, फिर थोड़ा देखता हूँ, अभी अच्छी सेटिंग करनी पड़ेगी।
आज सवेरे से जान खा रखी है मम्मा ने कि ग्रोसरी 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 लानी है, दूध लाने हैं, फल लाने हैं, ये लाना है, वो लाना है। चलो भैया चलो, हो गया टाइम। चलो माते, आधा घंटे में चल रहे हैं। यार आधे घंटे में नहीं, बंद कर दो बस। मेरे को नंबर ये मत किया कर, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे में ना जा तू, आधे घंटे में चल रहे। ला बता यार, आप अलग ही एटीट्यूड मार रहे हो। अच्छा चल बाबा, चल चल यूं थोड़ी चलता है, हम आपको इतने प्यार से बुला रहे हैं, आप ओके हो पड़े हो। चल रही चल रही चल रही, पता है ये इस वक्त बहुत अच्छे आ रहे हैं सारे क्लाइंट ना। चलो अच्छा, क्लाइंटों से मैं बताता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। माता हमारी हैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर, एक नंबर की रीडिंग करके देती हैं। तो कभी भी आपका भी मन करे तो आप कमेंट में डाल सकते हैं सवाल जवाब। अच्छा बाकी जनता कहाँ है? चलो तुम भी चलो, क्या कर रहे हो? सामान खाली मैं चक्के लाऊंगा क्या? भैया जैकेट जुकेट पा के तो मैं रेडी हूँ, चाबी मैंने उठा लिया गाड़ी की। हेलो इधर देखिए जरा, हाँ हम तो रेडी हैं कब के भाई। अच्छा मैं रेडी हूँ, गंद पूरा जगह पानी पड़ागी, आवाज तो करो आप एक बार। चलो भैया चलो, क्या चल रहा भाई? अदरक क्यों गिरा रहे हो नीचे? नीचे गिर रही माता को देखें क्या ले रही हैं। इसको ना तो सुन के बता दे, पिछली बार में धनिया की जगह कुछ और ही लगी, सैलरी सुन रही। इनको इनको भाई धनिया ही नहीं पता चलता इनको, क्या वैसे तो किसी को ही नहीं पता चलेगा, सारे धनिया लग रहे हैं, कुछ और ही लगे धनिया वो पड़े हैं सुन के, नहीं शक्ल थी पता। वो रे धनिया वो पड़े हमेशा इधर ही होते हैं धनिया। भाई जी पहुंच गए थे ग्रोसरी लेने के लिए, बाहर बनाई नहीं वीडियो, बारिश हो रही है। पापा को देख के आए, हाय हाय संतरे देखो भाई जी, हाय खरबूजे देख रहे हो, हमारे यहाँ खरबूजे मिलते हैं सर्दियों में भी। सेब से करे सेब, क्या सिस्टम चल रहा है? मैं यार ये सौदा पत्ता लेने जाना हूँ, कुछ लिस्ट बनी हुई पूरी पूरी। टमाटर चाहिए है, बैंगने देखो यहाँ आ गई भाई, अरे देखो ये वही है जैसी इमोजी होती है ना वैसी वाली बैंगने समझ जाओ बस। वो देखो जी ये टमाटर गिर रहे हैं नीचे अब वो नहीं चखेंगे, ये वो वापिस रख दिया, देख लो तेज वो वापिस रख दिया, ये अपनी आदतें निकलेंगी थोड़ी ना अंदर से, कभी भी रहनी भी चाहिए। अरबी दिखाता हूँ पापा, अरबी किसको कह रहे हैं, रुको ये देखो जी से अरब कचालू है, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे वो वाला, एक उठा लो। आंटी रेस लगा रही हमारे साथ। मटर चाहिए? हाँ मटर चाहिए। हल्का गाजर मेरे को दिख रहा, गांजा देखो जी गाजर इनको गांजा दिख रही है, नहीं मटर चाहिए। ग्रोसरी में गांजा भी ले रहे हैं। लो जी पहुंच गए हैं बिलिंग के लिए, सामान रखा जाएगा। देखो हमें भाई आरामदायक आदमी, ठीक है इनको करने दो सारा का सारा काम, आप यहाँ बैठते हैं और इनकी वीडियो बोलते रहो, हमें आरामदायक आदमी जो वीडियो बना रहा है उसका काम भाई बहुत जरूरी काम है। बिलिंग इज डन, सामान डल गया है। बारिश में ना भीगो। अपन लोग ये सामान सामून डालते हैं गाड़ी में फिर घर जाएंगे, अपना व्लॉग आज का यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे कल। आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, बस यही रहती है हमेशा ये करते रहना, हमेशा हमको प्यार देते रहना और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा।